क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज डिविजन स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये है ना आपका, आपके ओटेंट्स हैं। ठीक है, देखो अब हमें ना यहाँ पे कुछ क्ल्यू हैं, ठीक है, जो आपको दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ये पूरा क्वेश्चन बनाना है। ओके, चलो शुरू करते हैं। सेवन है, ओके, सेवन में थ्री का डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो ये टू ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके, थ्री टू जा सिक्स, अब यहाँ पे सिक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये सिक्स यहाँ पे आ गया, सेवन माइनस सिक्स कितने होते हैं बेटा, वन। ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक समझ में आया आपको कि थ्री टू जा हमने सिक्स किया, सिक्स में सिक्स किया तो ये टू टाइम गया ना, टू ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सेवन माइनस सिक्स किया तो वन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे थ्री है, क्यों है थ्री, बिकॉज यहाँ पे थ्री होगा इसीलिए तो ऊपर से उतर के ये नीचे आ गया है ना, होगा ना, तभी तो आया नीचे, अगर यहाँ फाइव होता तो यहाँ फाइव आता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थ्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऊपर थ्री था। ठीक है, अब देखो थ्री फोर जा ट्वेल्व है ना, थ्री फोर जा ट्वेल्व कितने टाइम गया, फोर टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे ट्वेल्व। ठीक है, अब ट्वेल्व थर्टीन में से ट्वेल्व कम हुए तो कितने बचे, वन। ठीक है, बचे कि नहीं बचे, बचे ना। ठीक है, अब देखो ये वन जो है वो यहाँ पे है वन से, ठीक है, और ये फाइव है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइव लिख देंगे। ठीक है, इसीलिए तो 15 में 15 गया तो जीरो आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 14 लिख देते होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 16 लिख देते तो वन आता, 17 लिख देते तो टू आता है ना, 18 लिख देते तो थ्री आता। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ फाइव लिखा, 15 में से 15 गए तो जीरो। अब देखो थ्री फाइव जा 15, ठीक है, ये 15, 15 में 15 गए जीरो, एंड आंसर इज 245। ठीक है, चलो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, वेरीफाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 245 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 फाइव जा 15 कैरी 1, 3 फोर जा 12, 12 एंड 1 13 कैरी 1, 3 टू जा 6 एंड 1 735। ठीक है, ये 5 यहाँ से उतर के नीचे आ गया था। ठीक है, तो हम यहाँ 5 लगाना भूल गए थे, तो ये आपका 735। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश करो जल्दी से। ठीक है, मैं एक बार इनको इरेज कर देता हूँ, जो जो 27 था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, देखो समझने की कोशिश करना, पूरा कंसंट्रेट रखना। ठीक है, मैं आराम से समझाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो ये क्वेटेंट है, ठीक है, अब ये है थ्री। ठीक है, थ्री अपन सेवन में इसका अपने भाग दिया, यानी कि सेवन डिवाइडेड बाय थ्री। ठीक है, थ्री टू जा सिक्स, ठीक है, ये हमारा टू ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना, थ्री टू जा सिक्स, ये टू ऑलरेडी लिखा हुआ है, टू जा है ना, अब यहाँ हम लिख देंगे सिक्स। ठीक है, अब सेवन माइनस सिक्स कितने होते हैं, वन, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब ये थ्री कहाँ से आया, थ्री आया ऊपर से, क्योंकि जब भी हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो वर्ड नंबर होता है वो नीचे आ जाता है ना, तो ये जो थ्री है ये यहाँ पे था। ठीक है, जो उतर के यहाँ पे आ गया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। ओके, अब देखो, अब यहाँ तक का तो हमारा पूरा हो गया था, अब करते हैं थ्री फोर जा ट्वेल्व। ठीक है, थ्री फोर जा
फोर जा 12। अब देखो 13 माइनस 12 कर लो या 3 माइनस 2 कर लो, ठीक है आंसर आएगा आपका 1। ठीक है ये आ गया आपका 1, 13 माइनस 12 किया तो हमारा 1 आ गया। ठीक है अब 2 माइनस हमने इस 2 में से ये 1 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है क्या आंसर आया आपका 1। ठीक है और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 5। ठीक है अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए कि इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, सेम नंबर होना चाहिए ना। मान लो 8 है तो 8 ही होना चाहिए, 10 है तो 10 ही होना चाहिए, तो ये 15 है तो 15 ही होना चाहिए तभी तो 0 आएगा। ठीक है ये 15 माइनस 15 0। अब देखो 3 में 15 का अपन डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। ठीक है ये आपका हो गया और ये 5 कहाँ से उतर के आया, ये यहाँ से आया था। ठीक है नोट डाउन प्लीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ये क्ल्यूज दिए हुए हैं, इस बार हमें पूरा नंबर मिल चुका है डिवाइड करने के लिए और डिवाइड किससे करना है 7 से। ठीक है यह हमें हमारा क्वेडेंट सीखना है। ठीक है अब देखो ये 25 है और ये 7 है, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 इससे ज़्यादा है इसलिए 7 3 जा 21। अब ये 21 ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। ओके अब देखो 5 माइनस 1 4 या फिर 25 माइनस 21 = 4। ठीक है अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, अब 4 तो डिवाइड हो नहीं सकता 7 से इसलिए क्या करेंगे ये जो 0 है ना उसको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है ले लिया ये हो गया हमारा 40। ठीक है कितना हुआ 40, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42, 40 से ग्रेटर हो गया इसलिए 7 5 जा 35। ठीक है अब देखो 40 माइनस 35 कितने होते हैं 5। ठीक है जो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है अब देखो 7 से डिवाइडेड नहीं हो सकता 5 क्योंकि 5 छोटा है। ठीक है तो जो यहाँ पे लास्ट नंबर बचा था, डिजिट बची थी 9, वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है अब ये जो नंबर हो गया वो हो गया 59। ठीक है 59 हो गया अब देखो डिवाइड करते हैं, हाँ 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ठीक है 7 7 जा 49, 7 8 जा 58, 7 9 जा 63, 63 तो 59 से बड़ा हो गया तो 7 8 जा 56। ठीक है अब देखो 9 माइनस 3 कितने होते हैं 0 3, जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है 5 माइनस 5 0 होते हैं। ठीक है तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है अब आप एक बार इसको वेरीफाई कर लो। ठीक है 358 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 35 and 5 40, 7 3 जा 21, 21 and 4 25। ठीक है 2 5 0 यहाँ पे 9 है यहाँ पे 6 है, लेकिन रुको कुछ रह गया, क्या रह गया रिमाइंडर रह गया, रिमाइंडर को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ठीक है ये 3 था यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया। ओके 6 plus 3 9 0 2 5, तो देखो सेम हुआ कि नहीं हुआ है ना। ठीक है नोट डाउन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3, ए फैमिली इज पैकिंग 4 बनानास पर बॉक्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमोंग द पुअर, द दे हैव 900
bananas in all, how many boxes are required to pack bananas? देखो एक फैमिली है, सपोज करो, इमेजिन करो आपकी फैमिली है, ठीक है, आप लोग कुछ पुअर्स में फूड देना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने सेलेक्ट किया बनानास कि हम सबको, सब पुअर्स को बनानास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो आप एक बॉक्स में 4 बनानास पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास टोटल बनानास है 900, ठीक है, कितने बनानास है 900, ठीक है, तो उसके लिए आपको कितने बॉक्सेज चाहिए और आपको 4 बनानास ईच बॉक्स में रखने हैं, ठीक है, थीके? देखो सॉल्यूशन, 1 बॉक्स फॉर 4 बनानास, ठीक है, देन हाउ मैनी बॉक्सेस फॉर 900 बनानास, ठीक है, टोटल बनानास कितने हैं 900, ओके, और ईच पैकेट में कितने बनानास पैक करने हैं 4, ठीक है, तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे, लेट्स सॉल्व, 4 2 8, ठीक है, 2, अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2, 00 यहाँ लगा दी एंड 00 यहाँ लगा दी, ठीक है, अब 0 0 and 1, ठीक है, ठीक है, अब 4 2 8, ओके, एंड 10 and 10, ठीक है, ये 0 में से 0 गए 0, 10 में से 8 गए तो 2, ठीक है, 4 5 20, ठीक है, 0, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो आपको कितने बॉक्सेस की नीड होगी, 225, ठीक है, आंसर इज 225 बॉक्सेस, वेरीफाई करके देख लो, चलो एक बार, 225 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, 4 5 20, 4 2 8 and 2 10, कैरी 1, 4 2 8 and 1 9, ठीक है, 900, प्लीज नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 4, यूज डिवीजन टू फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है, हमें ना इस क्वेश्चन को डिवीजन के थ्रू सॉल्व करना है ताकि हमें ये मिसिंग नंबर हम फाइंड कर सकें, ओके, लेट्स स्टार्ट, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, फिर इसका आंसर क्या आया 355, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि हमने किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, ये वाला 5, इसको ना इक्वल के इस साइड ले आएंगे, किस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे, ठीक है, फिर ये इक्वल के राइट साइड में आ जाएगा तो ये पता है क्या हो जाएगा, डिवाइड वाला हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है, इक्वल के इस साइड था तो मल्टीप्लाई था, ठीक है, इक्वल के राइट साइड में आया तो ये डिवाइड बन गया, ठीक है, अब चलो इसको डिवाइड करते हैं, 355 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 5 7 35, 1 digit 0 0, ठीक है, 5 and 0, 5 1 5, ठीक है, 70 plus 1 71, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 71,
वन, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लो, अगर आपको यकीन ना हो तो, फाइव को वन से किया फाइव, फाइव को सेवन से किया 35। देखो ओके, आपको करना क्या होगा कि जो इक्वल के लेफ्ट साइड में जो नंबर है ना, क्या था ये, फाइव था, ठीक है। कौन सा नंबर था ये, फाइव था, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसको इक्वल के राइट साइड में ले आएंगे, ठीक है। किस साइड में ले आएंगे, राइट साइड में। बट राइट साइड में आके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये होगा डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे ये आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कौन सा साइन हो जाएगा, डिवाइड वाला, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन प्लीज़।